भैया चाहते थे कि मैं एक बार मिल लूं तुमसे, इसलिए आई हूं, कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहा। स्टाइल और एटीट्यूड दोनों ही दिखे उसके व्यक्तित्व में। अच्छा लगा तुम्हारा अंदाज मिलने का, वह मुस्कुराया। कटाक्ष कर रहे हो, बिल्कुल सही समझा। हम पहली बार मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं इसकी वजह भी जानते हैं। वैसे भी शिष्टाचार के नाते हाय हेलो बोलना तो बनता ही है, लेकिन तुमने तो सीधे सीधे यह जता दिया कि भैया के बाध्य करने पर तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। अपने को बेशक बिंदास समझती होंगी या जरूरत से ज्यादा खुले विचारों की, पर इस तरह देखो, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। बेशक हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरी पूरी जानकारी होगी। मैं जानती हूँ अपने भाई को, उन्होंने मेरे बारे में हर बात तुम्हें बताई होगी जैसे मुझे बताया है तुम्हारे बारे में। तुम्हारी तारीफों के तो पुलिंदे ही खोल कर रख दिए थे उन्होंने मेरे सामने। भैया शादी करने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। इससे पहले 15 लड़कों को मना कर चुकी हूँ, वह भी उनसे बिना मिले, सिर्फ फोन पर बात करने के बाद। इस बार भैया ने वादा किया है कि मेरे लिए आखिरी रिश्ता होगा यह। इसके बाद वह किसी लड़के से मिलने या शादी करने के लिए मुझे नहीं कहेंगे। तो चली आई तुमसे मिलने। अब क्या शिष्टता और शिष्टाचार निभाऊं? साफ साफ कह देना क्या गलत बात है। बेकार तुम सपने देखने लगो, उससे अच्छा तो यही है कि बता दूं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लाइम सोडा पीते हुए मृगया ने कहा। देखा विभूति ने उसे लाइम सोडा पीते हुए। स्ट्रॉ गिलास से निकाल मेज पर रख गटागट पी गई। यानी हर काम को करने की जल्दी रहती है इसे। मृगया के व्यक्तित्व के पहलुओं को जानने में उसे मजा आ रहा था। हालांकि उसके भाई ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी अनुभव की बात कुछ और ही होती है। वह एकदम अलग थी और अलग होना सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। शादी न करने की कोई खास वजह या किसी और को पसंद करती हो, वजह हो क्या यह जरूरी है? मृगया ऐसे बोली मानो उसका बस चले तो विभूति को अपनी क्रोध से जलती आंखों से भस्म ही कर डाले। और रही बात किसी को पसंद करने की, तो अगर कोई होता तो भैया को 15 रिश्ते लाने ही नहीं देती, फौरन मंडप में बैठ जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से अगर प्यार करूंगी तो इस बात को छुपाऊंगी? अरे मैं तो ढिंढोरा पीटने वालों में से हूँ। ओ सॉरी, सवाल गलत कर बैठा। शादी न करने की कोई वजह नहीं है, बस तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। तो ठीक है, फिर यहाँ बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं। क्यों बेवजह समय बर्बाद किया जाए? विभूति ने बैरे को बिल लाने के लिए कहा। मैं अभी रुकूंगी, ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ तो लंच करके ही जाऊंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ लंच कर सकते हो, पेमेंट दोनों बांट लेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जेब को मेरा खाना चुभे, उसने मेन्यू कार्ड देखते हुए कहा। तुम तो काफी लड़कियों से मिल चुके होंगे, मृगया ने दाल मखनी में रोटी को डुबोते हुए पूछा। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कभी बनी नहीं? काफी लड़कियां तो नहीं देखी, तुम दूसरी ही हो। मैं लड़कियों से मिलने और फिर उनमें कमी निकाल कर रिजेक्ट करने का पक्षधर नहीं हूँ। पहले जो देखी थी उसने मुझसे कहा कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूँ, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है और उसके कुछ बन जाने पर ही अपने घर वालों को उसके बारे में बता सकती है। तुम्हारे बारे में जितना जाना मुझे लगा जैसे तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जहां तक बात गर्लफ्रेंड की है तो कॉलेज में एक थी, मुझे लगता था कि वह मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस एकतरफा प्यार को मैं भूल चुका हूँ, वैसे भी उस बात को 7 साल हो गए हैं। विभूति ने दही भल्ले को मुंह में इस तरह डाला जैसे उसकी नरमाहट से अपनी निराशा को भीतर ही मसला लेना चाहता हो। मैं परफेक्ट रहूंगी ऐसा क्यों लगा तुम्हें, या मुझे इम्प्रेस करने का यह तुम्हारा कोई तरीका है? बोलते बोलते मृगया का स्वर थोड़ा तेज हो गया। विभूति ने सोचा न जाने क्यों यह हमेशा मधुमक्खी की तरह डंक मारने को बेचैन रहती है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी लगी थी। उसका दिल खींचा जा रहा था उसकी ओर। ऐसे मुनहफट लोग मन के साफ होते हैं और कुछ भी छुपाने या बनावटी पन में विश्वास नहीं रखते। उसे भी ऐसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए जो बेशक बोलने में तीखी हो पर वो साफ दिल की। अगर यह तीखी मिर्ची उसकी हो जाती है तो उसे अपने प्यार की चाशनी में डुबो रसगुल्ला बना देगा, इस बात का विभूति को पूरा विश्वास था। मन ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे साथ जिंदगी अच्छी कटेगी, खट्टा मीठा स्वाद बना रहेगा, तुम्हारे साथ नोकझोंक करने में मजा आएगा और तुम्हारी तीखी चटपटी बातें शादीशुदा जिंदगी को नीरस होने से बचा लेंगी। यही सोचकर कहा, मुझे इम्प्रेस करने के तो तरीके नहीं आते। हाँ, कोई लड़की मेरे साथ बिना किसी परेशानी के रह सकती है, इस बात का मुझे यकीन है। मैं दूसरों पर न तो अपनी इच्छाएं थोपता हूँ, न ही कंट्रोल करने की आदत है।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा, बिल में ही पे करना चाहूँगा। मेरी जेब को तुम्हारा खाना चुभेगा नहीं। कहते कहते विभूति के होठों पर एक ऐसी मुस्कान नृत्य करने लगी जिसे देख एक बार तो मृगया का दिल भी हिचकोले खाने लगा। क्या सच में इसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है? उसने इस बार उसे जिन नजरों से देखा उनमें विभूति को समझने और परखने का कौतूहल झलक रहा था। इससे पहले वह लड़कों से मिले बिना उन्हें रिजेक्ट करती रही। फोन पर जिन भी लड़कों से बात होती थी उसे लगता वे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे विश्वसनीयता का कोई भी ऐसा स्वर गुंजित नहीं हुआ जैसा कि विभूति की बातों से हो रहा था। चलती हूँ, मृगया अचानक उठ खड़ी हुई। उसे लग रहा था कि वह अगर कुछ देर और बैठी रही तो कहीं विभूति को उसके दिल की धड़कने न सुनाई देने लगे जो उससे कुछ ऐसा कह रही थी जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका मन जो हमेशा तीव्र गति से दूसरों को पछाड़ता आगे बढ़ने को उत्सुक रहता है, इस समय हारने को व्याकुल था। विभूति के सामने समर्पण करने को तत्पर था। मृगया कहना चाहती थी कि परफेक्ट में नहीं तुम रहोगे मेरे लिए, मेरी जैसी विद्रोहिणी को तुम ही अपनी बाहों में बांध संभाल सकते हो। मेरे पास तुमसे विवाह न करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन तुरंत मान जाऊं ऐसा संभव नहीं। उसका ईगो एक दीवार की तरह उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया था। कैसे मान ले कि उसे विभूति अच्छा लगा है, कैसे मान ले कि प्यार की एक नर्म कोमल उसके भीतर फूटी है और चाहती है कि उस पर विभूति के स्पर्श की ओर थिरके। मैं इंतजार करूंगा, विभूति भी उसके साथ साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। किसका? मृगया की हट सब कुछ समझते हुए भी जिद्दी बन सवाल कर रही थी। तुम्हारे जवाब का, फोन तुम करोगी या तुम्हारा भाई? मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, जवाब मैं ही दूंगी तुम्हें फोन करके। लेकिन बहुत इंतजार मत करना, कहीं देवदास बन मेरे घर के चक्कर काटने लगो, मृगया धारदार जवाब देते हुए कार में बैठ गई। मैं तैयार हूँ लंबे इंतजार के लिए, लेकिन जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। विभूति के आत्मविश्वास पर पहले से ही मुगध मृगया इस बार अपने मन को उठती गिरती लहरों की तरह मचलने से नहीं रोक पाए। मिलते हैं जल्दी, विभूति ने कार की खिड़की के पास खड़े होकर कहा। मृगया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। उसके दिल पर विभूति के प्यार ने दस्तक दे दी थी। उसे विभूति के साथ खट्टे मीठे स्वाद वाली जिंदगी गुजारनी है। मैं इंतजार करूंगा, विभूति भी उसके साथ साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। किसका? मृगया की हट सब कुछ समझते हुए भी जिद्दी बन सवाल कर रही थी। तुम्हारे जवाब का, फोन तुम करोगी या तुम्हारा भाई? मैं अपना फैसला खुद कर सकती हूँ, जवाब मैं ही दूंगी तुम्हें फोन करके। लेकिन बहुत इंतजार मत करना, कहीं देवदास बन मेरे घर के चक्कर काटने लगो, मृगया धारदार जवाब देते हुए कार में बैठ गई। मैं तैयार हूँ लंबे इंतजार के लिए, लेकिन जानता हूँ ऐसा होगा नहीं। विभूति के आत्मविश्वास पर पहले से ही मुगध मृगया इस बार अपने मन को उठती गिरती लहरों की तरह मचलने से नहीं रोक पाए। मिलते हैं जल्दी, विभूति ने कार की खिड़की के पास खड़े होकर कहा। मृगया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कार आगे बढ़ा दी। उसके दिल पर विभूति के प्यार ने दस्तक दे दी थी। उसे विभूति के साथ खट्टे मीठे स्वाद वाली जिंदगी गुजारनी है।